आदि श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंदे देवो मापतिं सुरगुरु, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशुनापते, वंदे सूरसुशाङ्कवाणीनयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनांशयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशुत विज्ञाने। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु देव की जय, भक्त और भगवान की जय, सांवरिया सेठ की जय, नरसिंह मेहता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए नाम संकीर्तन करके फिर आज के माहिर में प्रवेश करेंगे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक श्री परमात्मा ऋषि चरणा में प्रणाम करता हुआ महाराज श्री सद्गुरु देव ने वंदन करता हुआ और आप सब भक्ता ने श्री भागवत महापुराण रो रसपान कराने वाला श्री कृपाराम जी महाराज ऋषि चरणा में प्रणाम करता हुआ और आयोड़ा सब भक्त जन माताएं बहनें यथा योग्य अभिनंदन व अभिवादन। आओ अपा तीसरे दिन रे माहिरा में प्रवेश करा। देखो काले रे प्रसंग में आपा लोग गाडोली रे प्रसंग सुनियो और भगवान नरसिंह जी ने जूना श्रीनगर अंजार पहुंचाई दिया। तो अबे नरसिंह जी सूरदास गांव रे बारे बैठा है। अब इताक में आप लोगों ने तो ठही जे सुबह सुबह कौन उठिया करे, कोई ब्राह्मण देवता वे, कोई भक्त वे, कोई संत वे, वही ज उठिया करे, बाकी तो कौन उठे। और उन्हीं जो टाइम सुबह सुबह जल्दी वही जो कोकड़ियो ब्राह्मण वो जल्दी उठियो और हाथ में पानी रो लोटो लेन गांव बारे घूमन वास्ते गियो। तो वो गांव बारे गियो कि याने सूरदास ने नरसिंह जी ने यो देखिया। जने कोकड़ियो ब्राह्मण मन में विचार करियो कि बेटा माटा आएगा की करी व्यवस्था करना आएगा दिखे। पर कोकड़ियो ब्राह्मण कियो कि आपा तो अपनी बदई लेला ओ मौको बढ़िया है। जने कोकड़ियो ब्राह्मण तो वटी जो लोटो पट गियो और दौड़ियोड़ो श्रीरंग जी रे घरे गियो और श्रीरंग जी जान कियो कि श्रीरंग जी दरवाजो खोलो। श्रीरंग जी कियो कि काई होयो पंडित जी, किने घर लक्ष्मी आई है। जे ते श्री पंडित जी कियो कि थे तो फटाफट दरवाजो खोलो। जने श्रीरंग जी दरवाजो खोलियो। जने श्रीरंग जी कियो कि कौन आया है। जीते कोकड़ियो ब्राह्मण कियो कि आएगा है। जने श्रीरंग जी कियो कौन आया है। जन पंडित जी कियो कि आएगा है। जने श्रीरंग जी कियो कि कौन आया है। जन पंडित जी कियो कि थाना सगा ब्याई नरसिंह जी आएगा है।
जन श्रीरंग जी मन में सोचियो कि बेटो की करी करण व्यवस्था कर ली दिखे। जने श्रीरंग जी कियो के श्रीरंग जी पूछियो के केड़ो केड़ो सामान लाया है। जने कोकलियो ब्राह्मण अबे बता रियो है के श्रीरंग जी कियो के की धोलो पीड़ो लेन आया है कहीं। जने कोकलियो ब्राह्मण कियो के धोलारी तो ठा कोनी पीड़ो गणो लाया। पीड़ार मतलब समझो उन्नो के धोला रो तो मंठा कोनी पीड़ो गणो लाया। पीड़ार मतलब गोपी चंदन। अभी कियो के गणो लेन आया है पीड़ो तो। जने श्रीरंग जी कियो के उन्नो बेटो गणो लेन आयो दिखे। जने कियो के कपड़ा केड़ा लाया है। जन कियो के एड़ा कपड़ा लाया है थाने पीढ़िया में एड़ा कपड़ा कदी नहीं पहरिया वेला। जित श्रीरंग जी की मन में सोचियो के बहुत बड़ो महंगा महंगा कपड़ा लाया दिखे। जने पंडित जी री बात सुनन श्रीरंग जी तो एकदम राजी होगा। जने पंडित जी कियो के मैं था नीती बढ़िया खुशखबरी सुनाई हूँ तो थे मन मारी बदई दो। जने श्रीरंग जी एक बढ़िया होनेरो हिक्को निकालियो एकदम इतो जाडो और वो पंडित जी ने बदई रूप में दियो। जने पंडित जी तो पहला तो आप कपड़ा में लियो और हेटो बांधियो और पूरो ने कब्जे करियो। पछे श्रीरंग जी कियो के की हावल तो बताओ। जने पंडित जी कियो के हमें कान खोलन हुन लो कई कई लेन आया है। लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी आए गया नरसी जी वे भात खाए भरसी जी अरे आए गया पंडित जी अबे हाची सच सच बताई दियो के एड़ो एड़ो सामान लेन आया लंगो टांटो पे लेन आया और पीड़ा में तो गोपी चंदन लेन आया। जन पंडित जी जन श्रीरंग जी अबे सुनन एकदम चौंक गया। जन श्रीरंग जी कियो के पंडित जी मन मारी बदई पाछी दे दो और रुपये मन पाछो दे दो। थे मारा धोखो करियो थे मारा झूठ बोलिया
के घणो सामान लाया है, एडो महंगो महंगो सामान लेन आया, पर अबे ठावड़ी केड़ो सामान लेन आया, मन थे बदे पाछी दे दो। जिने पंडित जी कियो के आ तो गांठ में बंदगी है, आ तो हमें पैक हुई की है, हमें आ कोनी खुले, मैं तुम्हारे जाऊं। अबे वासा यूं पंडित जी करन, यूं कहन तो निकल गया, पर अबे श्रीरंग जी कियो के आने कठे रुकन वास्ते देवा। जने श्रीरंग जी कियो के वे जका गांव रे बारे है, पुरानी बाजार है नी, वटे वाने डेरा दे दो। अबे वाने नरसी जी ने वट डेरा दे दिया। नरसी निर्धन जान के डेरा दिया कुठोर, चीचड़ माखड़ अति घना जुआ खावे तो। ना जा जमना गुदड़ा नामा चाके बान, सूरदास सिया मरे ना कोई जान पिछा। अबे नरसी जी ने वटे डेरा दे दिया। अबे इतनी ठंड पड़ रही ही, ठंड गणी, अबे सूरदास न लगे। जक सूरदास कियो के नरसी जी, ओ नरसी जी अपने ऊपर कहीं है वो। जने नरसी जी कियो के ऊपर, ऊपर तो है आकाश। जन के की तो ऊपर ही थोड़ी बात करी हो, अपने ऊपर कहीं है। जन कियो के अपने ऊपर तो लकड़िया रा पाट है। जने कियो की लकड़िया रा पाट है। अबे सूरदास तो हेट ही जा। अबे सूरदास तो वाने पकड़न नीचे पटक गया और वाने भेड़ा करन तुली लगाई दी। अब वन में आग लगाई दी तो आग लगाने से थोड़ी बहुत ठंडी कम होगी। तो उन बाद में अबे सूरदास अन्नो कीर्तन करे है, अब यूं बैठा है। पर अबे घना दिन होगा, जने दादी सासु ही जको वा मन में विचार करियो के अबे अन्ने नानी बाई भी आई। नानी बाई नरसी जी रो स्वागत करन पाची गई परी। पर अबे दादी सासु कियो के यहाँ लयान सूरदासा ने संता ने कई दिन आया है, आया ने तो आने भोजन तो कराई दा, नहीं तो भोजन नहीं करायो तो भूखा मरता कटी मर गया, तो अपन माते नाम आवेला के लाई ब्याह ने भोजन तो कराउना हो। तो अबे दादी सासु एक कोई पड़ोसी में एक कोई ब्राह्मण जी लड़की रहती ही, उन्हें बुलाई और उन्हें भेजी। तो वह गई और अबे नरसी जी ने नूतो दियो और कियो कि अबे नरसी जी ने कियो कि सा आपने तो वटे श्रीरंग जी वट बुलावे, नूतो दियो है। जने नरसी जी कियो कि नाया नहीं धोया नहीं सेवा ना करी, की कर जीवन हाला भाई हाल की घड़ी। जने नरसी जी कियो कि भाई बाहर में की कर चाला, मैं तो हाल सीना ने नहीं करियो। जिते सूरदास सारे कान में आवाज पड़ गई, सूरदास कियो कि नरसी जी, ओ नरसी जी अब थे हिनोन रे बीच में क्यों लावो, हिनोन रे आगे बुलन तो नहीं। अबे इतना दिन कई दिनों तो नू तो आयो है, अब थे रेवन तो नहीं हिनोन रो। तो जीते वा भाई कियो कि ठाकुर जी को सिंहासन शीश पे धरो, आज की सेवा तो मने हवेली करो। जनवा कियो के आज री सेवा तो मने हवेली ज करो, और ठाकुर जी को सिंहासन शीश माते धर लो और हवेली चालो। जन अबे नरसी जी वे सूरदास अबे तैयार होया और ठाकुर जी रो सिंहासन शीश माते धरन चालिया।
अबे चालता चालता श्रीरंगजीरी पोल माते पहुंच गया, पर अबे कई देर हुई गी, पर अबे तो वो गेट माते तो कोई नहीं आयो। जने नरसी जी कियो जे तो सूरदास कियो कि नरसी जी, ओ नरसी जी हाल कोई आयो ही कोनी। जने नरसी जी कियो के संता कोई कोनी आयो है, पण थे तो थाना शंख बजाओ। जिते ज्ञानदास जी कियो कि मारकन शंख है मैं बजाऊंला। जिते ज्ञानदास जी कियो कि पच मारकन शंख नहीं है, मारकन ही है मैं ही बजाऊंला। अब सोला सूरदास कियो कि माणकन ही है, माणकन ही है, माणकन ही है। जन नरसी जी कियो अगले ही बजाओ। जब जनावे एक साथ अगले ही संत संघ बजाया, अभी यूं संग बाजिया के अभी दादी सासु ने ठा पड़ी कि वे आएगा। जने दादी सासु कियो कि बीनणी, ए बीनणी जावे कनी, वे आएगा सगा, वन तिलक ले तिलक करन वास्ते जा। जनवा कियो कि मैं तो कोनी जाऊं, मारे तो काम घना है। जन दादी सासु कियो कि तू नी जावे तो जन पच मने दे, मैं जाऊंला और नेकरो रुपयो ले नऊला। अबे वासा दादी सासु गी और अबे हाथ में तिलक री थाली ली, और अबे तो डोकरी रो पूरो शरीर ही धुजे। अबे थाली लेन गी और कियो के ब्याह जी थे कटे ओ तने तिलक करूं। जने नरसी जी कियो के ये कदम घाटी रे माती जे। अबे अब न वा दादी ससु वाने तिलक करिया, अबे तिलक ही हाथ इलावता इलावता करिया। जको बूढ़ी डोकरिया रा ओ कहीं टक कहीं हुए, जको हाथ इलावता इलावती बुढ़ापा में हाथ हिलना हरू जाया करे। जको वे तिलक करनी चावे तो कटी इन लाग जावे कठी। जने अबे नरसी जी रे तिलक करियो और पछे उन बाद में एकदम सासु यूं हाथ आगे करियो। जने नरसी जी कियो के हाथ रो मतलब कहीं है, आपने तो हाथ मिलावने संस्कृति है ही कोनी, आपने तो हाथ जोड़ने संस्कृति है। जने जीते दादी सासु कियो के नेकरो रुपयो। जने नरसी जी कियो के देवाने लेवाने समदन राम जी को नाम, तुलसी जी की माला ले लो सेवा साड़गरा। एडी नरसी जी कियो के देवाने लेवाने अटे तो राम जी रो नाम है। जने एकदम ब्याई गुस्सो आएगो ब्याह ने, जने ब्याई तो एकदम अबे एकदम अबे सासू जी ने तो गुस्सो आएगो। सासू जी तो आपरो ओन लियो न तिलक ने पूछ लियो। जने पचे नरसी जी मन में सोचियो के ऐसा कहीं ठाकुर माने निर्धन किया, काढ़ोड़ा तिलक पाछा पूछ लिया। मैंने एड़ा केड़ा निर्धन बनाया जको माना तो तिलक ही पूछ लियो। जना बे नरसी जी ने सगा ने सबा ने अंदर लेन आई, और उन बाद में नरसी जी कियो के सासू जी माने तो स्नान करनो है, माने तो स्नान करने रो बताई दो द्वार। जने अबे नरसी जी गिया और नरसी जी कियो के सगा जी ओ पानी तो इतो ठंडो गणो है, थोड़ो गरम करना तो लाओ। जने अबे सासू जी गिया और सासू जी तो गरम करियो, इतो गरम करियो के सासू जी मन में सोचियो के तो ए एड़ा पानी विनोन कर ली पचियाण शरीर में जल जलन शुरू जाई, एपड़िया रही जीता पण लारे ब्याह निवड़ जाई। पचे पंचायती तो नहीं करी, जने अबे इतो पानी गरम करियो
पानी गरम करन लेन आया जको। अब नरसी जी यूं पानी ने चेक करने वास्ते यूं आंगली डाली तो आंगली पानी में पहुंची कोनी नूनू पहला बाप सुई जलगी। नरसी जी तो पानी माही आंगली धरी पानी में ना पहुंची वातो भाप सुझरी। अब एकदम आंगली जलगी जने नरसी जी कियो कि अरे सासू जी थोड़ो तो पानी गुनगुनो लावनो हो इतो कहीं गरम लेन आएगा। जने एकदम सासू जी गुस्सा आएगो और कियो कि मैं थाने गरम गरम ठंडा में रेवा के ओ गरम ओ गरम घणो है नो ठंडो लेन आओ नो गरम घणो है नो ठंडो लेन आओ मैं मीज लागियो रेवा मान पछ कोई काम नहीं है। अब तो सासू जी यू के निकल गई आपरे। पर अब सासू जी कियो कि थाने तो इंद्र बस में नहीं इंद्र ने बुलाओ। अबे नरसी जी अबे प्रार्थना करी प्रार्थना करते सुन कर आयो इंदर उन की घड़ी मुसलाधार ओसियो ने लगाई दी जड़ी। अबे पानी भी तो ठंडो नहीं बरसियो बरसियो तो केड़ो गुनगुनो पानी। अबे सूरदास अगले स्नान करिया और उन्हें बाद में अब नरसी जी न अब बैठा जन अब नरसी जी वास्ते भोजन लेन आया तो भोजन भी केड़ो दो दिन की पुरानी खिचड़ी ठुली ठंडी खिचड़ी एकदम। अब जो नरसी जी बैठा तो वाणे पाटरे सामने वज रखी तो अब नरसी जी रे कई आदत थी के भगवान रे भोग लगाने री आदत थी तो नरसी जी भगवान रे भोग लगानी जिमता हा। तो सजनो आपने भी आपा भी कदी भोजन करा तो भगवान रे भोग लगान जीमनो चाहिजे बिना भोग लगाया नी जीमनो। बिना भोग लगाया जो आदमी जीमे वो तो राक्षसी भोजन हो जाया करे। अबे आपने भी भोग लगावनो चाहिजे तो मैं एक मंत्र बोलूं आपने मारे लारे लारे बोलनो है एकदम सरल मंत्र है। राम कया सुकूप जे पुजे आप सबाने बोलनो है इमे कहीं दोहराई री बात है आप ओ तो सरल मंत्र है तो आप सबाने बोलनो है। राम कया सुकूप जे राम कया सुकूप जे कृष्ण कया दुख जाय कृष्ण कया दुख जा महिमा मां प्रसाद की पावो प्रीत लगाय। अबे भाई यूं एड़ो मंत्र बोलनो ओ मंत्र बोलन पछे भोजन करना चाहिए। मैं लोग तो जद भोजन कराऊं टे 15 अध्याय गीता जी रो वो बोलन पछे भोजन करिया करा उना 20 श्लोक है तो वे 20 श्लोक बोलन पछे भोजन करिया करा। ऊर्ध्व मूल मद शाख अश्वथम प्रावर वयम छंदांसि अस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेतवेत् अधस्य ऊर्ध्वं प्रसितास्तु तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधस्य मूला न्यनुसंततानि कर्मानुबंधी निमनोश्य लोके न रूपमस्य ततो वलभ्यते नान्तो न चादि न च साम्रतेष्टा अश्वत्थमेन सुविरूढमूला असाङ्गशस्त्रे न दृढेन चित्त्वा। अभी मैं तो 3-4 श्लोक सुनाया हूँ पर एड़ा 20 श्लोक है
तो नरसिंह जी भी भगवान रे जुई भोग लगान और जुई तुलसी अर्पण करी तो वह खिचड़ी खिचड़ी नहीं रही, वह तो एकदम गरम खिचड़ी होगी और चावल तो खीर हो गया और कई तरह रा आइटम आ गया। और अबे सूरदास तो अबे आराम जीमिया, अबे जी मन पाछा कियो के नरसिंह जी अबे थोड़ो अन्न पोडाइला, जिते के नरसिंह जी कियो के अरे संता आपा सोन वास्ते थोड़ी आया, आपा तो इन नगरी ने जगाउन वास्ते आया हाँ। अबे नरसिंह जी सूरदास अबे नगर ब्राह्मण वास्ते गिया और अबे कीर्तन करे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्रीरंग जी ने ठा पड़गी तो श्रीरंग जी एक कोई श्रीरंग जी ने और ठा पड़ी तो श्रीरंग जी तो एक कोई आदमी ने बुलायो और कियो कि वहां नरसिंह जी रे कान में जान कह दो कि थाने थे तो कीर्तन करो, थाने तो डेरा माते गिरधर गोपाल आयो है। तो बिन वो आदमी नरसिंह जी रे कान में जान कियो कि नरसिंह जी थे तो अटे कीर्तन करो, पर थाने डेरा माते तो गिरधर गोपाल आयो है। तो अभी यूं नरसिंह जी बात सुनन, नरसिंह जी तो करतालन तालन सब वटी पटकिया और नरसिंह जी तो एकदम दौड़न डेरे माते गया। अब इताक में लारे सूर भाई इंजन ही अलग हो जाए तो डब्बा तो अगले बिगड़ जाए, तो नरसिंह जी जा इंजन अबे सूरदास तो लारा अगले डब्बा, तो नरसिंह जी तो गिया बरा तो डब्बा तो अगले बिखर गा। सूरदास अबे सीग नगर अंजारी पतली गलिया में फसगान पड़गान, अबे नरसिंह जी दौड़ता दौड़ता डेरे माते गिया तो वटे कोई गिरधर जी वो साथ नहीं दिखियो और वटे कोई गिरधर भी भगवान नहीं हा। जन अबे नरसिंह जी भगवानो अरदास करे, इजी मारा नट वर नागरिया
अरे जिनको खेत निप जायो रे, जिनको खेत निप जायो रे, अरे बिजले ताने बाजा बिजले साधाने बाजा बिना बीज आजा आजा रे सांवरिया बात बना जा रे सांवरिया, आजा आजा रे सांवरिया बात बना जा रे सांवरिया, हर जाना नी वैरो माईरो हो, हर जाना नी वैरो माईरो, आजा आजा रे सांवरिया बात बना जा रे सांवरिया, आजा भगवान की करावे और भगवान की करमाई रो भरे वो प्रसंग आपने कृपाराम जी महाराज सुनावेला। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय, नरसी मेहता की जय, भक्त और भगवान की जय। आइए हमने छोटी सी उम्र में जगदीश जी के द्वारा माहिरे को सुना, एक बाल वाणी के माध्यम से सुना और इसी माहिरे के प्रसंग को मैं आगे ले जा रहा हूँ। श्री नरसिंह जी की कथा बहुत सारे एस्पेक्ट्स अगर अपन देखा तो बहुत सारी चीज़ें अपने सीखने मिले हैं। एक भक्त के जीवन में सबसे बड़ी बात होती है भरोसा। भगवान से जुड़ने का मतलब ही है भक्त, क्योंकि जो कभी नहीं होता विभक्त वो होता है भक्त।
जो कभी किसी भी परिस्थितियों में टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है। या तो परिस्थितियां ऐसी हो जाएं, लेकिन उसके बाद भी वो भगवान से जुड़ा रहता है, तो समझना चाहिए कि उसकी भक्ति में शक्ति है। यहां डिग्री नहीं मिलती परीक्षा के बिना, कंपटीशन के एग्जाम देने पड़ते हैं, नंबर एक बार में आ ही जाए ये कोई जरूरी तो नहीं है। तो जब डिग्री नहीं मिलती है तो भगवान कैसे मिलेगा, वो भी तो परीक्षा लेता है, उसके लिए भी तो हमें तैयार रहना पड़ता है। तो भगवान ने परीक्षाएं तो बहुत ली, नरसिंह जी की भी बहुत ली, लेकिन अंत में नरसिंह जी की आंख में आंसू आ गए और वे आंसू वो रोते रहे रोते रहे रोते 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 मध्य रात्रि हो गई। मध्य रात्रि से भी ऊपर का जब समय निकलने लगा तो नरसिंह जी की अश्रुपूरित करुणामयी पुकार भगवान के कानों तक पहुंच गई और भगवान उठे। जद में ता नरसिंह जी करुणा करी, द्वारिका में सुतोड़ा ओज क्या हरी। भगवान एकदम उठ गया और भगवान उठ गया तो रानियां भी उठ गई। पट रानियां तो भगवान रे कनीज सूती, एकदम तो एकदम सो रुक्मणी जी उठ गई। भाव तो राधा जी रो भी बतावे मायरे में भावरी बात है। राधा तो रुक्मण खम्मा खम्मा ही करे, मोती डारो थाल भर कर निछरावल करे। एकदम सोरानियां उठ गई भगवान के स्वागत में और पूछन लागी, भगवान अचानक आप आधी रात्रा एकदम उठ गया, काई बात है? आपरे कोई शरीर में तकलीफ है, कोई पेट तकलीफ कर रही हो है, कि माने सेवा में कोई चूक रह गई है, आज आप मासूम प्रसन्न नहीं हो, कि कोई बात है तो बोलो, आधी रात्र एकदम क्यों उठ गया भगवान? क्यों नहीं 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 नहीं, आपरी सेवा में कोई कमी को नहीं और मारी तबीयत भी ठीक है, पर एक बात है, मारे तो भगता माही मारे तो भगता माही भीड़ पड़ी, माहे रोले जानो माने अब की घड़ी। आपकी सेवा में चूक कोनी है, पर मारे भक्त रे तकलीफ पड़ी है, नरसिंह जी मने याद कर रिया है और समय आई गयो है, मायरो भरणो मने अब्बार अब्बार मायरो ले जानो है, सारी व्यवस्था मने ही करनी है, क्योंकि वो खाली मारे भरोसे आयो है और मैं न करूंगा तो कौन करेगा। वैसे तो संसार के व्यवहार के कार्य सांसारिक व्यक्ति को ही करने होते हैं, लेकिन वह चूंकि मेरे भरोसे है, वो मेरा भक्त हो गया है, इसलिए उसके व्यवहार के जितने कार्य हैं वो भी मुझे ही करने पड़ेंगे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। उसका कौन है, मुझे ही करना है। राधा रुक्मण बोली, अच्छी बात है, आधी रात्रा भी रोया हो लेकिन बहुत चौखे कार्यक्रम में जा रही हो, नहीं तो थे हमेशा तो ऊब गड़ी में जावो हो, पण जावो कठे हो, के फलाने ने मारनो है, फलाने ने बटे यूं होगो है, राक्षस ने मारनो है, बटे बहुत दुष्ट हमलो कर दियो है, बिन मारनो है, थे युद्ध करने जाओ आधी रात्रा लड़ने जाओ हो, पण आज आधी रात्रा थे मायरो भरने जा रिया हो, ओ सुनन बहुत चोखो लग्यो, तो एक निवेदन मानो भी आप सुए कई। बोले राक्षसों ने मारने जाओ, चाहे कंस ने मारो, चाहे रावण ने मारो, जिन्हें मारो, बटे मानो काम कोनी, लेकिन मायरो भरो तो भगवान एकला एकला थोड़ी भरीजे, सजोड़े भरीजे, तो बटे तो माने भी ले चलो, मैं भी आपरे साथ ही चालनी चावा,
तो आज्ञा है। भगवान बोली, भगवान बोलिया कहने आज्ञा है, अटे तो नितरी मोड़ो हो रही है, एने अड़ने थे को कि मैं हाला थेरेगी लुगया तैयार होना में थोने लागे एक घंटो, बायारा दस मिनट मोटा गणा भी अगर है तो के थोने तैयार होना में लागे एक घंटो, हमें थे कणा तो तैयार वे हो कणी तो को आ साड़ी पहनू कणी के नहीं हो ओ नो पहनू कणी के ओ डू कणी के वो पहनू कणी के एड़ो मेकअप करूँ कणी के वेड़ो मेकअप करूँ कणी के एड़ी छोटी करूँ कणी के वेड़ी फैशन करूँ कणी के वेड़ी स्टाइल ए कोनी बैठे थे अठीज बिराजो क्योंकि मोड़ो कर दे। राणिया कहो थे क्यों बात ने बढ़ा रहे हो, क्यों बात ने बढ़ा रहे हो, मैं तो आपने कद कहो कि मैं तो टाइम लगावा, अगर थे माने अनुमति दो तो मैं तो यूं तैयार हुई बस यूं चुटकियों में। भगवान क्यों तो ठीक है अनुमति तो है हाथे हाल सको, पर एक बात सुन लो, थे तो जानो ला रानी पति म्हारा श्याम पर नानी बैरे सासू आगे करनो पड़सी काम। थे जानो लागे मने तो साहब द्वारिका धीश पति है एन बटे ठकरानी बनन जाम न उब जाओ, पण वटे यूं नहीं चलेला, वटे कोई की नहीं है, वटे तो हैंग नरसी जीरे लारे जा रिया नानी बैरे वास्ते जा रिया, तो नानी बैरे सासू आगे थाने भी काम करनो पड़ेला, और वे की कह देवे तो हुनो भी पड़ेला, खास ध्यान राख जो एक और कई देरानी जेठानी ने थे जीकारो दीजो और नानी बैरी नणदूली सो तो डरती ही रही जो। ओनो स्वभाव खराब गणो है, जिन टेम नानी बाईरी नणंद हामी आवती दिखे गए उन टेम अडमान चले सरो पाड़ चलू कर दीजिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। उनो डरती रही जो देरानी जेठानी ने जीकारो दीजो, सासुरे आगे काम कर जो, पग बीजा दबावना पड़े तो वही दबाई जो, सेवा कर जो वटे ठरको मत राख जो, जने तो मारे हाथे थे आलो नहीं तो ठाकर ठिकाणी चोखा। राधा रुक्मण गयो थे के वो जो कि बात माने मंजूर है, मैं तो तैयार हाँ हैंग काम कर ले वहाँ। भगवान क्यों तो ठीक है फटाफट तैयार हो जाओ और मैं भी तैयारी करूँ। और भगवान उन्हीं समय आधी रात रा बाजार खुलवायो है, जितना भी बाणिया सेठ व्यापारी दुकान लगा लगान बैठा, भगवान दुकाना खुलवाई। चढ़िया हर जी द्वारा पुररी हाट, भाई ने भात जू मोल बे। भगवान आधी रात रा बाजार खुलवायो और कहो कि सेठों व्यापारियों बढ़िया सो बढ़िया महंगाऊ महंगा कपड़ा जका थानी दुकान में है, मतलब आज दिन तक मारी राणिया भी ऐडा कपड़ा नहीं पहनिया, वे उन क्वालिटी रा कपड़ा निकाल निकालन मने दो, क्योंकि मारे भगत रे बठे ओछो नहीं लागणो चाहिए भूंडो नहीं लागणो चाहिए। भगवान कपड़ा तय करिया है, थान रा थान गाड़ी में भरवाया है, गाड़ियां तैयार हो गई, भगवान इतना दौड़ भाग करी है कि भगवान तो पसीने में नाई गया, पसीनो पसीना हो गया भगवान। और राधा रुक्मण तैयार ओन बैठी, भगवान क्यों तैयार, बोले हाँ तैयार, भगवान क्यों तो मारे भी समोन तैयार हालो। राधा रुक्मण क्यों यूं कही हालो, थोड़ी हालत देखो हवल कपड़ा तो पहन लो, थे तो तैयार वो। भगवान क्यों क्यों, मैं कहीं फूट रो कौन दिखू, कहीं कमी है मारे में, मैं कहीं फूट रो कौन। राधा रुक्मण गयो थे तो बिना कपड़े फूट रही लगो, थोन कौन गए थे तो फूट रही हो, परंतु जेड़ो देश बेड़ो बेस, अब जारिया मायरो वरने
तो मोने तो थे बना दी सेठानिया, तो कम से कम थे भी सेठ रो रूप तो धारण कर लो। सेठानिया रे साथे तो सेठ चोखो लागे, यूं उगाड़ा भीर हो गया पसीने में चोखो कौन लागे। भगवान को ए अब्बार तैयार भी हो, भगवान ने कई टाइम लागे। धरिया हर जी, धरिया हर जी, महाजन जीरो रूप, सेठानिया लेनी छे संग में, लीनी हरिजी रिद्धि सिद्धि साथ, राधा तो लीनी संग रुक्मणी। राधा रुक्मणी ने भगवान हाथे लिए, सेठ रो रूप धारण करियो है, रथ में भगवान बैठा, खुद ही रथ चला रिया है, हाथे गाडारा गाडा रवाना हो गया है। ग्रीन सिग्नल भगवान ने दे दिया, लेकिन अबे भगवान ने जानो तो हो नगर अंजार, पर भगवान गया पर जूनागढ़। अरे आगे मोड़ो न बड़े मोड़ा में मोड़ो कर दियो, ऊंधो रस्तो क्यों लियो। भगवान क्यों ऊंधो नहीं है, है जो को सब मारे प्लान रे तहत है। क्यों? क्योंकि जूनागढ़ से नरसी गया है, और जब गए थे तब जूनागढ़ वालों ने उनकी हंसी उड़ाई थी कि इनके साथ तो कुछ व्यवस्था नहीं है और ये वहां जाकर क्या माहिरा भरेगा। लेकिन मैं जूनागढ़ वालों ने थोड़ी फेंक तो बताऊं कि गयो नरसी अकेलो है, पर लारे गाडा रा गाडा सामान भरन जा रही है, मैं उसकी सेवा में हाजिर। भगवान सब ने दिखाता 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 जूनागढ़ से रवाना होया। अब नगर अंजार की ओर तेजी से भगवान रथ चला रहे हैं, और इधर नगर अंजार में सवेरे सवेरे नानी बाई के घर में हो गई लड़ाई। सुबह सुबह नारायणियों देवर नानी बाई ने कोई एड़ा वेड़ा शब्द कह दिया, कुछ बात ऐसी हो गई, और नानी बाई रे हिये माथे लाग गई। कोई चुभता शब्द कहवे नहीं तो वे तीर सो भी ज्यादा चुभिया करे, है कि नहीं। इसलिए इसलिए शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द को हाथन पाव, और एक शब्द औषध करे और एक शब्द करे घाव। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान ने जुबां दी है तो घाव भरे शब्द नहीं, भाव भरे शब्द होने चाहिए। आपने अठे एक मारवाड़ी रो शब्द है, बिल्कुल ठेठ देसी मारवाड़ी रो शब्द है, बूढ़िया तो सब जाने हैं, लेकिन जगह मारा दोस्त मारा हाथी है वो ने बता दूं। एक शब्द है राड़, समझो नहीं कई वे राड़ रो मतलब कई वे हैं लड़ाई वाजन थे तो घना होशियार निकलिया थान तो सबने ठा है। राड़ यानी लड़ाई। अभी एक शब्द और आएगा वो भी मारवाड़ी का शब्द है, वो तो सभी को पता ही है, लेकिन शब्दों का ही चमत्कार है, बस शब्द की साधना करते हैं हम। अब शब्द शब्द क्या कह रहा है? आपका व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में राड़ हो। आपका व्यवहार, आपकी बोली, आपकी चाली, आपका बिहेव ऐसा नहीं हो कि घर में राड़ हो, पर आपका व्यवहार ऐसा हो कि घर में आपका लाड़ हो। समझ गए भाई? आदमी चोखो हुए, टाबर फूट रो हुए, गुणी कोई आदमी हुए तो है उन्हों लाड करे, भाई हो तो बहुत फूट रो, तो बहुत बढ़िया माने तो है सब छाले जड़हेंग लाड करे, तो एड़ो व्यवहार रखो नहीं ताकि हैंग आप रो लाड करे। आपकी वजह से लाड हो पर राड ना हो। बाकी कई जगह तो हालत घनी खराब है। एक लुगई लड़ती गणी हैंग दिन लड़ती रे दणीरे माते तो मत पूछो थे, एड़ो जोर जमावे पूछो ही मती। और शेर खाली बारिश बनोड़ो रहे भाई, आदमी घर में नहीं बढ़ सके, घर में तो शेर नहीं बैठी। जो को लुगई रो स्वभाव लड़ाकू गणो,
एक दिन की उगी अला घर में टच पच, आज मेरे थोड़ो ले रे दिल में सदमो बैठ गयो, बीमार हो गयो। बीमार हो गयो तो गणोज बीमार हो गयो, जन हॉस्पिटल में भर्ती हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो, दो दिन हो या भर्ती हो योड़ो है, डॉक्टर साहब चेक करे है, इलाज भी जो करे है, ग्लूकोज भी जो चढ़े है, लेकिन डॉक्टर साहब ने ठा पड़ गई कि इन्हें किन किन सदमो बैठियो है, जने इन्हें बीपी ऊंची नीची हुई है, जने इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ियो है, इलाज करे जन ठा पड़ जाए कि भाई ये सब इम्बेलेंस हुआ है, जन डॉक्टर भी थोड़ो अनुभवी हो, अन्य उन्हीं आदमी की लुगई आई एंड डॉक्टर ने साइड में लेन कियो, कैसा की फर्क भी जो है कि नहीं है, की कर बचेला कि नहीं बचेला, डॉक्टर लुगई ने साफ साफ कह दियो के हुनो अगर थोड़े पतिदेव ने बचावना वे तो थोड़े स्वभाव में बदलाव कर दो, प्रेम बोलिया करो, मीठा बोलिया करो, सेवा क्रिया करो, हर बात मत लड़िया मत करो, तू ता मत करिया करो, थे थोड़ो स्वभाव बदल दो। थोड़ी देर हुई आदमी ने होश आई गयो, आदमी ने होश आयो, जने लुगई मिलने गई, जने डॉक्टर थोड़ो बारे गयो, एर आदमी लुगई ने पूछियो कई डॉक्टर साहब की बात हुई, मारे की फर्क पड़ी कि नहीं पड़ी, की बचूला कि नहीं बचूला, लुगई क्यों एक ही उपाय हो बचनो, पण वही खारी जुगो, थे जाओ तो जाओ पण मैं नहीं बदलू, तो बच्चे की कर बैठे, इसलिए स्वभाव को बदलिए, अपने व्यवहार को बदलिए, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जहां आप रहते हैं लोग आपसे प्यार करें, और जहां से आप चले जाएं तो पीछे लोग आपको क्या करें, याद करें, और व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जहां आप जाने वाले हो वहां लोग आपका इंतजार करें, यह व्यवहार होना चाहिए। नारायणियों नानी भाई ने उजाड़ दी कि कह दियो, नानी भाई ने तकलीफ हो गई, नानी विचार करियो कि अरे घर में रहनो ही नहीं चाहिए, मैं तो कदरी मर जाती पर अब कई करूं, सहन कर करन भी मैं तो अब थाक गई हूं, और सोचियो कि कई नहीं, जठे लड़ाई हो रही है, माहौल खराब हुए तो उन जगह ने थोड़ी देर वास्ते बदल देनी चाहिए ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, तो होच परी आ नानी भाई पानी रो घड़ो उठायो, अरे पानी भरने तालाब माते गई, बरी बोले तालाब मत जाबरू थोड़ो ने चोवे गई तालाब री पाल माते, अब कोई गणो आगो भी कोनी हो, पानी भरन लावे तो टाइम भी गणो कोनी, लेकिन नानी बाई रे तो मनीज कोनी पाछो घरे जवनो, इन वास्ते तालाब री पाल माते गणी तो ऊंची चढ़े एन गणी नीची उतरे। उबी भाई सर्वरियारी पाल, ऊंची चढ़े ने नीची उतरे। नानी भाई गणी तो ऊंची चढ़े गणी नीची उतरे, गणी ऊंची चढ़े गणी नीची उतरे। इतने एक में नानी जी कहीं देखियो कि कन्नीज एक आमरो पेड़ है, और उन पेड़ माते तोतो बैठो है, और उन्हें वह धर्मरो भाई माने तो गहरी गहरी आमलड़ारी छां, जिड़रे तो ऊपर बैठो सूवटो, और सूवटा और नानी का संवाद, सूवटिया तू धर्म रोबी देखे झूलरिया ने आव तो, हे सुवटिया हे तोता, तू तो ऊंचो बैठो है, थने तो सब दिखे, देख तो खरी थने कोई आव तो दिखे है, कई कोई उम्मीद कोई आशा की किरण, तो सुवट ने देखा और देख करके वो जूनागढ़ की दिशा की तरफ देखता है और कहता है हाँ बहन कई दिखे तो है, बोले कई, बोले जूनागढ़ रो जको मार्ग है उन मार्ग माते झीणी 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 उड़े गुल
लाल जमके छे जूनागढ़ मारेगा। हाँ जूनागढ़ रो जको मार्ग है उन मार्ग माते जीनी जीनी गुलाल उड़ रही है और एड़ो लागे है कि वो रास्तो बिजी है कोई आ रही है मने रथ आव तो दिख रही है पर आगो है अपर भगवान भी तो रथ बहुत तेज चला रिया ए बाता हो रही है आने भाई बहन में जिते जिते तो रथ नेड़ो आवन लग गयो एकदम कन्ने और नानी कहो अच्छा रथ आव तो दिखे है तो बोलनी रथ में बैठो कौन है तो फिर से वापस तोते ने देखा और बोला रथ में बैठा रथ में बैठा श्री गोपाल रूप निहार्यो रण छोड़े को। नानी रथ में तो कन्हैयो बैठो है सांवलियो बीरो बैठो है एड़ो मने लाग रहो है बहुत चोखे रूप रो आदमी बैठो है पन कन्फर्म नहीं है कई ठाकुर है इते एक में तो रथ कन्हे आई गयो। नानी भाई नीचे उतरी पाल सो तलाब रे पाल सो और रथ रुकियो घोड़ा रे सामी जान नानी खड़ी हो गई और पूछन लागी भगवान ने कुणो थे छो भीरा कठेरा सिरदार किण रे तो जास्यो थे पावना। प्रश्न पूछने लगी इतने में भगवान राधा रुक्मण ने इशारो करियो बोलो कि नहीं हमें बोलो कि नहीं थानो कोई गड़ो बैठ गयो जटे बोलनो वे बटे तो बोलो को नहीं जटे नहीं बोलनो वे बटे लप 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 करो तो बोलो कि जवाब तो आगली कई पूछे तो राधा रुक्मण एकदम सु बोली स्वामी महारा मथुरा रा सिरदार द्वारावती राजवी भरणो माने माहिरो अंजार नरसी के संग में पावना। अच्छा राधा रुक्मण ने परिचय दे दिया ये मथुरा के सरदार हैं हमारे पति हैं द्वारका भी संभालते हैं और नगर अंजार में माहिरा भरने के लिए हम आए हैं और नरसी चिरे लारे में आया हाँ श्रीरंग जीरे घरे। नानी भाई आ बात होनी ने विचार करी कि ए तो हैंग मारी च बात कर रही है ये एड्रेस जो बता रहे हैं वो तो मेरा ही बता रहे हैं लेकिन फिर भी कंफर्म कर लिया तो राधा जी और रुक्मण ने आगे कह दिया और साफ कह दिया बठे जठे में जामला नहीं मायरो भरने वठे मेन कौन है। बोले नानी बाई नानी बाई करसी महारो छाव इन विद गीत सुहावना। और बटे नानी भाई मिलेला वा मानो घणो कोड करेला आखिर तो मैं ब्याने वास्ते ही तो आवा आया हाँ और आणिज नाम सावल साह है। आ बात जो ही राधा रुक्मण कही नानी समझ गई कि यही मेरा भाई है सांवल बीरा आ गया सांवरी आ गया। नानी को इतनी प्रसन्नता हुई नानी आगे बढ़ी और बोली आप जिसके घर जाने वाले हो वो नानी कोई और नहीं वो मैं ही नानी हूँ। भगवान खुश हो गया राधा रुक्मण रथ से नीचे उतरी नानी भाई ने गले से लगा ली है और भगवान नानी ने कहो नानी चिंता मत करो। नानी बोली भाई अबे कहीं नहीं बचियो है मैंने घरवाला बहुत मैना दिया है बहुत ताने मारे हैं इन्होंने और अब मेरे सहन करने की क्षमता भी पूरी हो गई है मैं नहीं सह सकती असहनीय पीड़ा हो गई है
मैं सारा सहन कर लूंगी, काम का बोझ सहन कर लूंगी, परिवार में बोझ है तो सहन कर लूंगी, परिस्थितियां और आर्थिक स्थिति से विकट हो जाएं तो मैं दो कपड़ों में जिंदगी गुजार दूंगी, लेकिन मुझे कोई ऐसे कड़वे शब्द कहे वो सहन नहीं होते हैं। भाई मैं नहीं कर पाऊंगी अब सहन, तू तो बहुत मोड़ो आयो रे, कोई सपोर्ट में नहीं आ, अब तू आयो है, अब कई वेला, भगवान के ओ चिंता मत कर नानी, मैं नहीं आता हूं तब तक ही सारी चिंताएं होती है, वरना मैं आ जाता हूं उसके बाद कोई चिंता नहीं। बोल हरी, डोंट वरी, फिर क्या चिंता है, मैं आ गया हूं ना। और बात महरे की है तो फिर महरो अबे एडो भरूला, एडो भरूला, एडो भरूला नानी के भूतो न भविष्य पचे, एड़ो कोई माहिरो को नहीं भर सकेला, एड़ो माहिरो जो कोई इतिहास में दर्ज वेला, मैं उन माहिरारी बात कर रही हूं। और जिन जगह माहिरो बरीजरियो है सज्जनों, आ जायलरी धरती, आ तो खुद जायलरी धरती, माहिरारे नाम माते प्रसिद्ध धरती है, जायलरो जाट खामियाद्रो आ रखियाड़ रो चौधरी है कि नहीं। तो आप लोगों ने तो इस इतिहास को पढ़ा है और उस परंपरा के लोग भी यहाँ बैठे हैं और उसी जगह यह माहेरा भी हो रहा है, लेकिन फर्स्ट सांवरिया सेठ ने भरा माहेरा, पहले नंबर पर यह माहेरा है। भगवान नानी ने कहो तू जा घरे मैं आऊं, हमें नानी राजी हुई, गड़ो छाणन भरती, पहला हमें भरियो नी छाणियो नी छाणियो, बस भी रुगी दो जोड़ी नानी भाई आई है घरे, घरे आई है जिते नानी भाई रे पड़ोस में रहती, नितुली न खेतुली वही कमनी वही चूंटिया भरती, नानी भाई आई, नानी भाई ने कहे ए तू कट फिरती फिरे, अटे तो ब्याह रो घर है, काम करनो चीज है, घर छोड़न फिरती फिरे, कणा पानी बरनवास ते गई है, हमें आई मैं हैंग देखूं तो ध्यान रखूं, ध्यान रखे अगर तार घर रहो। हाँ इतना साल तो नानी भाई सुन लेती कि बोलती को नहीं, नीचे मुंडो करण उन लेती चुपचाप, क्योंकि कोई हो को नहीं पावर, लेकिन आज तो नानी भाई सांवरियों मिलन आई है आपरे भाइयों, तो नानी भाई आंख में आंख डालन ने तुली के तुलन के ए पड़ोसन थारे घर री पंचायती रा क्या कर, मारे घर री पंचायती करनी जरूरत नहीं, हम जी चुप ने तुली के तुल के ए भाई आ नानी है कहीं आगे यूं तो हम ही बोली को नहीं, आज घनी बोलन लगी, मैंने लागे के तो आ नानी है कोनी, इनके इमें कोई बड़गो, इन्हें कोई ऊपरली माया है, कोई हवा दूजी हाल की कई बात है। पर नानी भाई सीधी गई घर में, घर में गई तो नानी भाई री सासू मिली, सासू बोली नानी ने बीनणी कणा गई तू पानी भरने, घंटा होया है दो, अम्मे आई है तू, इतो टाइम लागे कहीं पानी भरण में, अटे तो ब्यावरो घर है, हतरा काम करना पड़े, एन तू घर छोड़न पानी भरनी फिरे, अरे पानी भी भरे भरे तो दो दो घंटा लागे, कोई आ कोई बात है, काम कर काम। नानी भाई कियो सासू जी ब्यावरो घर मारे एकला रो कोनी, थानो भी है, काम रो ठेको मारे एकला रे कोनी लियोड़ो है, थोड़ो काम थे भी कर लिया करो, शरीर में बादी तो नहीं भरी जे, डील बदान फिरो। नानी भाई री सासू क्यों ओ आ तो कदी चुंका रोई को नहीं करती ना, आज यूं फर्राटेदार जवाब दे रही है, कीन कीन तो गड़बड़ है। इते एक में नानी भाई री नणंद आई, नणंदान नानी भाई ने कहे भाभी जी आप कहाँ चले गए थे, देखो मैं तो कब से स्नान करके तैयार बैठी हूँ, मेरे श्रृंगार करना है, मेकअप करना है, मारे हिणगार कौन करी, मैं तो थाने भरोसे बैठी हूँ, एन थे जो को बारे फिरो की ध्यान कौन रखो, नणंद रहो मारे हिणगार करनो है। नानी भाई ने री नानी भाई क्यों ब्याह तो मारे छोड़ी रहो, एन हिणगार करू थारो, हिणगार हिणगार हिणगार। नानी भाई ने री अड़ी नानी भाई क्यों हिणगार रो कोट गणो, मेकअप रो कोट गणो, थारे चुल्ला में पड़ी राख दोबोबरन पोत ले मुंडा मत हो जाइए एक मिनट में इनका। नणंद बोली आपरी मां ने कहो मां बाबी मने यूं कह दियो, आज यूं कह दियो, मां कहो बेटी आज तो मने ही कह दियो, आज आके नहीं नहीं छोड़े, धके आवे जगह ही नंबर ले, आज आ कौन छोड़े। तो बात कही है
आप पहला तो यूं को नहीं बोलती, लपर चपर कौन करती, हमें यूं किकर करने लगी है। कहते हैं मैं कोई बड़गो, क्या इन्हें कोई 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 पावर आयो है, कहीं बात है, कौन आयो है? नानी भाई कियो कोई बड़ियो है ना, कोई पावर आयो है, मारो सांवल बीरो आयो है। अरे मेरा भाई आ गया है, गाढ़ा भरन लायो है, अब कोई बात री कमी नहीं है, मारो पावर मारो भाईरो है। और नानी भाई कह दियो हुन लो कान खोलन, मारो भाई अब बार आवे मिंटा में आवे, और थे तैयारी राग जो, स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अगर मारे सांवल बिरारे स्वागत में कोई कमी रहगी तो हगलारी चोटियां पकड़ पकड़न गुरु बार का डूला, ध्यान रख लीजिए, इतना पावर। और भगवान, भगवान एक बार के लिए नरसिंह जी के पास गए, जठे नरसिंह जी बैठा था, भगवान कपड़ारी गांठड़ी उठाई है, खवा माथे रखी है, और आवाज देता जा रिया है, बाणिया बनपरान सेठ बनपरान, कपड़ा ले लो। अरे भाई कि नहीं मायरो भरनो वे, कि नहीं घर में ब्याह बिचो है, कोई फंक्शन है तो कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो। भगवान आवाज दी, सूरदासों रे कान में भगवान री आवाज पड़ी, और सूरदास जी रे आंखियां तो कोनी ही, पर काना री श्रवण शक्ति बहुत तगड़ी ही, एकदम आवाज पहचान गया, और कहो नरसिंह जी आवाज हुनो कान लगान, आवाज हिंदी लागे, नरसिंह जी क्यों किन्नी लागे, बोले वो किसनों खाती अपनी गाड़ी ठीक करी जखेरी लागे। नरसिंह जी विचार करियो, रे सूरदास कहवे जी की बात तो सही है, इनो मतलब आई क्यों दिखे, कन्हैया हो सांवरियो आई क्यों दिखे, ए झूठ तो को नहीं बोले, सूरदास तो एकदम परफेक्ट पहचान करे, पर कोई बात को नहीं, मोड़ो गणो आयो है तो मैं उन्हें हुनी उन्हें बात ही को नहीं करूं, भगत है वो रूठ भी तो सकता है, उसका हक है, उसका अधिकार है, तुमसे न रूठूंगा तो किससे रूठूंगा प्रभु, लड़ाई तुमसे न करूंगा तो किससे करूंगा, प्यार भी अपनों से होता है, लड़ाई भी अपनों से होती है। भगवान सामने आ गए, पर नरसिंह जी की स्थिति, नरसिंह जी ने क्या किया, आवत देखियो सांवल नरसिंह, बैठो छे रिसाई, ले जा थारी गांठड़ ली, तू आयो लाज घमान। कौन चाहिए, नरसिंह जी तो एकदम रूठर बैठ गया, भगवान हामी गांठरी रखी तो नरसिंह जी यूं मुंडो फेर लियो, भगवान अड़ने गांठरी रखी तो यूं मुंडो फेर लियो, जबरदस्ती बताऊं लग गया तो नरसिंह जी आंखियां बंद कर दी, एर आपरा दोनों हाथ यूं मुंडा माते धर दिया, देखनो ही चुकोनी, तू मोड़ो क्यों आयो, लाज गमान पछे आयो तो कई न्याल करियो। भगवान केवे हसने मुड़क कर बोलिया छे हरी, माहेरो लाया छा नरसी देख तो खरी। अरे माहेरो लाया यार, देख तो खरी, केड़ो माहेरो है, कई क्वालिटी है, कई कपड़ा है, कई कोट होया करे, तू आके बंद कर बैठ, पर नरसिंह जी तो आंखें ही को नहीं खोली, तो भगवान भी बचे कम नहीं, भगवान के वाह जने, अगर इतना ही आड़ू भगत है, इतना ही बदिला है, तो अपने बचे क्यों मायरो बतौनो कोड है, क्यों अपने मायरो भरनो कोड है, हालो भाई अपने तो पास करे। चाल लाग्यो सांवरियो जद गांठड़ी उठा, नरसिंह जी जानियो छे माटो लायोड़ी ले जा। नरसिंह जी रा हाथ यूं रखियोड़ा था मुंडा माते, पर नरसिंह जी कोई आंख या पूरी बंद थोड़ी करी थी, बीचे बीचे खोल खोलन चिरमिरी आंखियों देखे, आधी बंद आधी खुली, अपने स्कूल में करता ज्यों, मार साहब कहता प्रार्थना का समय हो गया आंख बंद करो, छोर आंख बंद करता ही कोई नाटक करता सिर्फ, जो नरसिंह जी भी अंग देखे, अरे वो तो गांठड़ी उठान बीरू क्यों, नरसिंह जी देखियो रे गटी गड़बड़ नहीं हो जा, आपा तो ही मडणी
मजाक मजाक में कड़ी गड़बड़ उजाला। जुई भगवान गांठरी उठान बीरो याके नरसी जी एकदम सो दौड़िया और भगवान ने पकड़ लिया। रे सांवरा तू कठे जावे है, मैं कोई रूठियोड़ो थोड़ी हूं, मैं तो थारू मजाक करतो हो। भगवान के तो मैं क्यों हाचिलो जाऊ, तो मैं ही मजाक ही करतो। तो अबे प्रभु, भगवान के अबे कही अबे तो मैं रो टाइम हो गयो है, फटाफट चालो। नरसिंह जी के बाजने हालो। नरसिंह जी ने इतो उत्साह होयो, इतो उत्साह होयो कि भगवान रे साते साते वीर हो गया। सूरदास ने तो भूल ही गया कि वहां ने भी हैंडल करना है, वे तो लिवाना क्या नहीं, वहां तो हैंडल ही करना पड़े। लेकिन नरसिंह जी रवाना हो गया भगवान रे साथे, और अड़ने सूरदासों ने अब कोई गाइड करने वालों नहीं, तो नगर अंजारी पतली गली ही उनमें कटे बचड़ो लागो। सूरदास पड़िया अगलाई हेटा, लेकिन जो ही हेटा पड़िया पर इस बार कमाल हो गया, नीचे गिरते ही इनकी आंखें खुल गई। और जैसे ही इन्होंने आंखें खोली तो सबसे पहले भगवान सांवरिया का दर्शन किया, सांवरिया सेठ का दर्शन हो गया। सूरदास अब सूरदास नहीं रहे, संत हो गए। एकदम हूजता हो गया नी नरसिंह जी की, वाह संतों कई सौभाग्य थानो, भगवान का दर्शन होया थोने, थे तो मान हो। संत कहो मैं नहीं, मान तो थे हो, क्यों? क्योंकि हमने तुम्हारा संग किया और आपकी संगति का परिणाम ये निकला कि आज आंखें खुलती हमें भगवत दर्शन हो गया। याद रखना, किसी संत किसी भक्त का संगत सानिध्य करना, भले ही तुम्हें लाख तकलीफ उठानी पड़े, सुविधाओं को मत खोजना, वहां कोई फाइव स्टार होटल जैसी व्यवस्था तो नहीं मिलेगी आपको, वो तो कुटिया में भी रह सकता है, जंगल में भी जाना पड़ सकता है, कभी पहाड़ चढ़ना पड़ सकता है, कभी संत के साथ भूखे रहना पड़ सकता है, कभी पांच पकवान भी मिल जाएंगे और कभी किसी के घर की लेकर भिक्षा भी मांग कर खानी पड़ सकती है। परिस्थितियां होती हैं, कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, लेकिन फिर भी संत का सानिध्य प्लस में ही जाता है, माइनस में नहीं। और किसी सुविधा वालों को देखोगे, किसी राजपाठ को देखोगे, किसी राजा को देखोगे कि ओ बहुत बढ़िया इनो दोस्ती करा, लेकिन भरोसों को नहीं है, वो कदई थाने धोखो दे सके है, क्योंकि वो तो राजा है। मूड ऑफ हो गया तो हो गया, मूड हो गयो चौको तो बना दिया मंत्री, यार मूड हो गया खराब तो उतार दिया, लो जाओ गरे। सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, क्योंकि न जाने कब रुला दे। सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, क्योंकि न जाने कब रुला दे, पर एक संत के साथ तो भीख मांग के भी रहना अच्छा है, क्योंकि न जाने कब प्रभु से मिला दे, वो कुछ भी कर सकता है। चलो मायरा बरते हैं। भगवान नरसिंह जी ने संतों ने ले प्राण आया है, और अड़ने नानी बाई ने ठा पड़ गई है कि सांवल बीरो आई गयो है, और उन्हीं टेम नानी बाई द्वार माथे घर रे द्वार माथे स्वागत करने वास्ते आई है। कठे सू आई सूठ कठे सू आयो जीरो 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 कठे सू आयो रे मारो सांगल वीरो कठे सू आयो रे मारो सांगल वीरो जयपुर सुवाई सूट दिल्ली सुवायो जीरो अरे जयपुर सुवाई सूट दिल्ली सुवायो जीरो अरे वो
द्वारका सुवायो रे मारो सावर दियो तो द्वारका सुवायो मारो सावर दियो ओ मायरारी वेड़ारी चुनरी बाई ने उड़ारी चंग बजीरा बाजा
जी आया भरने रे मांगरो किया नानी बाई ने भगवान का, और भगवान आए हैं तो धरती ने भी भगवान का स्वागत किया। बैठा हरि जी जाजम धा नागज धरती दल चढ़ो, नागज धरती दल चढ़ियो, यानी धरती भी ऊपर हो गई भगवान के स्वागत के लिए। भगवान वठे विराजमान होया है, पछे भगवान नानी बाई ने कन्ने बुलाई है। नानी बाई निकट बोला हाथ धर्यो है हरि जी शीश पे, भगवान माते माते हाथ धर्यो और पूछियो बोल नानी केड़ो मायरो भरणो है, किने कई देवणो है कई नहीं देवणो है, अबे थू बोल जो थू बोलेला अभी जो बेला बोल कई करनो है। तो नानी भाई रो परिवार रो मन तो पहले ही फाटियोड़ो, क्योंकि परिवार वाला चौका होगो नहीं, लगन आमर बताई दिया। नानी भाई रो मन उदास हो जोड़ो तो पच गए एडन कई मायरो देणो है, एडन कई ओडावणी करनी। नानी भाई कह दियो सामरा आखी को नहीं, हम लून लगन तो कहीं है को नहीं, हमें तू आए गयो है तो तू तारी साहब देख लीजिए। नानी भाई यूं कहो तो भगवान क्यों, अरे नहीं 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 नानी यूं कही कहे तू क्यों भाई मन में सकुचा मन मान्यो लीजे माहेरो, संकोच मत कर मन ने छोटो मत कर, क्योंकि एक कमी तो की है ही चकोनी, क्योंकि सावल बीरो आयो थारे द्वार कमी नहीं है कोई बातरी, कहीं बातरी कमी है, कोई बातरी कमी को नहीं है। और भगवान नानी ने प्रसन्न करी तो नानी कहो सामरा जेने तो वे मने कई पूछे थने ठाई जे, थारों कोई बात छानी कोनी है और बढ़िया मायरो भर दे। उन समय भगवान श्री गणेश की कर करियो, सबों पहला गांठड़ी खोली और बढ़ियों बढ़िया जकी चुनरी ही वह भगवान निकाल और सबसे पहला नानी बाई ने जो ओढ़ा दी। भगवान शुरुआत कर दी मायरा भरनी, एर पछे सिस्टमेटिक पत्रिका लाओ भाई, क्या क्या तुमने मंगाया था पहले तो वो दे देते हैं। और पत्रिका मंगाई, पहली पत्रिका भगवान पढ़ रहा है और गांठड़ी भी खोल रहा है और उन पत्रिका के अनुसार मायरो भगवान भर रहा है। सवा पच सुमन ले लो सुपारी, सवा पच सुमन रोरी दे, सवा पच सुमन ले लो सुपारी, सवा पच सुमन रोरी दे, अजर थान में मोती ले लो सानक साला कपड़ा, अजर थान में मोती ले लो सानक साला कपड़ा, 80,000 तुम्हारा ले लो करोड़ रुपया रोकड़ी, 80,000 तुम्हारा ले लो करोड़ रुपया रोकड़ी, कागज में दो भाटा लिखिया जब टर ले गई तो करी, भगत व चल प्रभु सर सब का,
पहली पत्रिका भगवान निकाली, पहली पत्रिका पढ़ रहा है, सवा पच्चीस मन सुपारी ले लो, सवा पच्चीस मन रोड़ी ले लो, सवा पच्चीस मन मेवारी बोरी ले लो, भगवान हैंग हाथों हाथ निकाल निकाल दे दिया, 80,000 तो होनारी मोरा वही दे दी, करोड़ रुपया रोकड़ी उन टाइम हो, आज ही गणा वे करोड़ रुपया, उन टाइम करोड़ रुपया रोकड़ी, पर भगवान को एलो साहब रोकड़ी आपने तो कोई साहब पूरु ही जे जो बकाया बकाया कुछ नहीं, इतने एक में हैंग बेटा लेन तो गया परा, लेकिन पछे भगवान के भाई दो भाटा आया है, भाटा भाटा किना है डोगरी क्यों भाटा भाटो कोई कर्म फोड़े कहीं करे भाटो अपना को नहीं भाई, भगवान क्यों होनारा है डोगरी क्यों मारा है, डोगरी बेटी आई इसी लेगी नानी बेरी दादी सासू भाटा ले गया मुझे लेगी, भगवान ने सबको दिया, दूसरी पत्रिका लिखी गई थी वो भी भगवान ने खोली, उसके अनुसार भी सबको दिया, अब गजब मायरो भरीजियो, छोरा इतना होशियार, भगवान नवा नवा कपड़ा बाने पहना होता, छोरा घरे जाऊता नवा खोल पुरान पुराना फाटोड़ा पहनना जाऊता, एन कहता मने तो की दियो ही खोली, तो ही भगवान क्यों ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मैं बैठो हूँ जड़ तक तो कमी किया ऊं दू खोनी, पर नारायणियो देवर नानी भाई रो देवर वो देखियो या सांवरियो तो कमाल कर दियो, ये तो हस्ती निकला अपो है जो हम जिया को नहीं अरे नानी नानी आपो हम जिया को नहीं नानी रखन पावर कहीं है, मैं तो नानी ने कहो तो अपमान करियो, अरे ओ सांवरियो तो कमाल कर रही है, अरे मायरो लोग ले जा रही है मुलक रो मुलक मायरो लेन जा रही है, पर अपो घराला लारे रह जा वाला तो हमें कड़ान में रहना कोई फायदो को नहीं, हमें करो दोस्ती, ना रहने गियो नानी भाई कने पगे पड़न के भाभी सा आप तो बहुत बढ़िया हो, एन हमें हुई जगी होगी पहला कई सुनी होगी आम ठाबर आओगे कई कोनी हमें मने कई ठा के आपने तो बहुत भाई बहुत तगड़ो है, एर हमें आप मने माफ करो, आप माफ नहीं करो तो कौन करी, एन देखो भाई मायरो हैंग मुलकी लेन जा रही हो है, तो मैं तो थानो देवर हूँ घर रो हूँ थोड़ो मने की दिराओ कनी थाने भाई को नू, नानी भाई क्यों हाँ देवर सा आप तो पहला हो आओ आओ आओ, आओ मारे हाथ हाल लो हाथ पकड़ नानी भाई लई नारायणिया देवर ने भगवान रे हामी, नारायणियों विचार करियो भाभी लान छोकी है मैं इतनी गालियां काटी एक मिनट में भूल गई माफी मांगते और एकदम कितो लाडू बड़े आदर हूं मने लेन आई है, तो नानी भाभी बहुत छोकी है, पर नानी भाई सांवरिया ने कहो कई कहो लिखिया रे परमाणे दीजो सारी बसती, पण इन नारायणिया नकटिया ने तो दीजो मती, नानी भाई भगवान ने कहो नारायण रो हाथ पकड़न के अगला ने दे दीजो कोई तकलीफ कोनी, पण इन नारायणिया नकटिया ने तो दीजो मती, बो ताना मारिया है मैंने घणो दुख दियो मैंने, नारायणियो के ले मारो तो रासन गाड़ी फाड़ दियो, मैं तो देखियो हाथ पकड़न लेगी है की दिराई दिराई उन्होंने कटी क्यों पार तो है गड़बड़, पण भगवान है जो को नानी भाई ने कहो सुख सारण हरि मुलक मुख धर्यो शीश पर हाथ, नानी भाई ने भगवान कने बुलान माता माता हाथ धरियो सुख सारण हरि मुलक मुख धर्यो शीश पर हाथ, बाई तेवर टाड़िया हड़की लागे बात, अरे भाई तू कई कहवे के नारायण ने कई नहीं देनो ओ थारो देवर है अगला ने देवा इन्हें नहीं देवा तो अब हड़को अपाणो लागे बूंडो अपाणो लागे, मन ने छोटो मत कर कोई बात को नहीं इनो कर्म ओ भुगती पण अपने तो चोखो ईज करनो है, और भगवान ने नारायण या देवर का भी मान रख लिया, भगवान रे हाथ में सुमरना ही बहुत चोखी लागती, नारायण रो मन आएगी उन्हें नींद खराब होगी कि मैं तो आईज ले हूं भगवान को ले जाओ, भगवान तो भी वीरो भी मान राखियो, और सज्जनों सब बहुत राजी हुआ, मायरो भरिया पछे भोजन प्रसादी रो आयोजन हो भोजन, अरे भोजन भी अलग तरीके से करवायो भगवान, एक बड़ी सुंदर सीख है इसमें,
भोजन में तो कहीं लोग तो कहवे भाई बढ़िया बढ़िया पकवान लाओ, लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन रसगुल्ला चमचम गुपचुप फलाना फलाना फलाना, पर भगवान सबू पहला कई पुरुष वायो थाली में सब्र कने खिचड़ी और घी, घी और खिचड़ी मनवार हुई है। अरे बोले यार घी खिचड़ी मैं कोई बीमार हूं, पर भगवान ने कहा नहीं संदेश सुनो, एक बार इस घी को खिचड़ी में मिलाओ। मिला लिया साहब, अब भगवान ने कहा अब इसको अलग करके दिखाओ, इस घी को खिचड़ी से अलग करके दिखाओ। बोले हमें मिल गयो हमें कोई अलग वे, और तो हमें मिल गयो हमें मिलियोड़ो अलग नहीं होवे। भगवान कहो ये अपने सारे फंक्शन का अंतिम कार्यक्रम है प्रीति भोज भोजन, और ये भोजन में घी खिचड़ी की मनवार करी, घी और खिचड़ी मिल गए हैं और मिलने के बाद अब अलग नहीं हो सकते। और वैसे ही यहाँ आकर के ये परिवार एक दूसरे से छोटे मोटे सब सदस्य मिले हैं, पर अब कभी अलग मत होना, यही तो मैसेज देना है। सबको मिला लिया भगवान ने, सबको मिलाया है, और सारी जो रंजिशें थी या किसी से किसी की शिकायत थी, किसी की किसी से दूरियां थी, वो मन की दिलों की दूरियां भी सब दूर हो गई। दूरियां मील की भले ही हो, मीलों की दूरियां चलेगी पर दिलों की दूरियां नहीं चलेगी, यही तो सिखाया है कृष्ण भगवान ने, यही सिखाया है। और मैं आपसे भी कहता हूं कि दिल की दूरियां बढ़े ऐसा व्यवहार मत करना, वाणी का उपयोग भी अच्छे से करना। एक लाइन में समझ लीजिए, एक लाइन में कि कैसे दूरियां खत्म होती हैं। भोजन करो, आयुर्वेद कहता है कि घी साथ में होना चाहिए, बढ़िया घी, कर्ज कर पर भी घी लेना चाहिए, खाना चाहिए स्वास्थ्य रहे वास्ते, तो बतायो है तो लू की रोटी कई खानी। तो मैं कहता हूं भोजन करते वक्त रोटी पे होना चाहिए घी, भोजन करते वक्त रोटी पे होना चाहिए घी, और बोलते वक्त जुबां पे होना चाहिए जी, तो फिर देखो आप कभी दिलों की दूरियां नहीं रहेगी, तन भी ठीक रहेगा और मन भी ठीक रहेगा, यही तो सीखना है जो भगवान ने सिखाया। और उसके बाद भगवान फिर विदा लेते हैं और नरसिंह जी भी फिर वापस जूनागढ़ की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इस प्रकार ये एक संक्षिप्त रूप माहिरे का, और हमने उस संक्षिप्त कथा को थोड़ा सा सुना। मेरी तो कोई ज़्यादा हाजिरी नहीं, मेरा तो कोई ज़्यादा इसमें पाठ नहीं, हमारे जगदीश जी ने सुनाया माहिरा आपको, और छोटे हैं अभी वो, तो अभी माहिरा करना शुरू किया है उन्होंने, और उम्र के हिसाब से धीरे 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 ही सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि जैसे जैसे अपने घर का छोटा सदस्य जब कुछ अच्छा कार्य करना शुरू करता है और वो नन्हे नन्हे कदम बढ़ाता है, तो बाकी जो परिवार के बड़े सदस्य हैं वो प्रसन्न होते हैं सुनकर देखकर, और आशीर्वाद भी देते हैं। लेकिन उन आशीर्वाद देने वालों में आपका भी नंबर आया है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो ये क्योंकि ये पल ये उम्र ये समय तो चला जाएगा, लेकिन फिर यादगार बन जाएगी, फिर यादगार बन जाएगी, और वही धीरे 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 उपलब्धि बन जाती है, तो परिवार का सीना चौड़ा होता है कि हमने तब देखा था जब इनकी शुरुआत थी और आज हमने इस रूप में देखा। ये ललित जी बैठे हैं, मैं कह देता हूँ आज, वैसे मैं लास्ट में कहने वाला था, उस वक्त तो कहूँगा, लेकिन अभी मैं कह देता हूँ, बात निकल गई इसलिए। ललित जी कह रहे हैं कि गुरु जी आपको मैंने पहली बार कहाँ देखा। मैंने कहा कहाँ देखा, बोले आपको भी नहीं पता लेकिन मैंने आपको कहाँ देखा। करीब करीब 18 साल 19 साल हो गए होंगे शायद, और 18-19 साल पहले आपकी कथा थी रोल के अंदर, रोल गाविन रोल में कथा आई, और उन टाइम तो मैं तो बहुत छोटो, और उन टाइम वटकथा चलती, और ललित जी ने कहा कि मैं उस वक्त रोल गांव से निकल रहा था, निकल तो अपने काम पे रहा था, बाइक पर था मैं, जोग संयोग ऐड हो कि बाइक पिंचर होगी, टायर पिंचर हो गया मोटरसाइकिल का, जैसे रोल में जगह पंचर की दुकान ही वटे गयो भाई साहब पंचर निकालो मारे फटाफट आगे जानो है थे मारे गाड़ी पंचर होगी।
तो वट एक छोरो बैठो वो क्यों भाई साहब पंचर वंचर तो निकाले जगो आदमी अटे है को नहीं थन टेम लागी घंटों भर वो आदमी गयोड़ो बारे वो आई वो पंचर निकाली अरे बोले घंटों भर क्यों लागी यार एडो कटे गयोड़ो है पंचर वालो आदमी तो दुकान माते रेवे ही रेवे और जको पंचर निकालने आवे उन्हें कदी फुर्सत हो यही नहीं करे वो तो वही कहे फटाफट निकाल के दो फटाफट निकाल के दो उन टाइम के तो पंचर वालो आदमी बड़े कटे गयो पुरो अरे बोले अटे कोई महाराज आयोड़ा कथा ले छोटा का महाराज आयोड़ा है और वे कथा करे जो वन कथा में गयोड़ो है तो ललित जी ने सोचा यार एड़ा केड़ा छोटा का महाराज है मैं भी जान देखूं तो सही। तो बस ऐसा विचार करके मैं आया था और वहां आपकी कथा चल रही थी और संयोग से मुझे वहां आगे बैठने का अवसर मिला। पहली बार वहां मैंने आपकी कथा सुनी और संकल्प कर लिया कि कभी अवसर देगा भगवान तो जायल में कथा होगी और ये लाभ भगवत कृपा से मिला। और जो परिवार यहाँ आया हुआ है वो परिवार का भी संकल्प इनके संकल्प को और मजबूती दे गया। ये जाजू परिवार जो आए ना खाटू से तो वहां उन्होंने उस परिवार ने अपने माता पिता के 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर कथा का आयोजन करवाया था। उसको काफी साल हो गए करीब 12 साल हो गए ना हाँ 12-15 साल हो गए और वहां ललित जी भी गए थे और ललित जी ने यह संकल्प किया कि आज तो हैसियत नहीं है पर अगर भगवान नामरी कोई चीज दुनिया में अगर है ईश्वरी शक्ति कोई है तो इस परिवार ने जैसे अपने माता पिता के लिए आयोजन करवाया है तो उस जमीन की मिट्टी को मुट्ठी में उठाकर के इन्होंने संकल्प किया कि ठाकुर मुझे भी ऐसी शक्ति देना कि मैं भी मेरे माता पिता के 50वें वैवाहिक वर्षगांठ पर इतना बड़ा आयोजन करा सकूं। और ईश्वर ने इन्हें साथ दिया। भगवान अच्छे संकल्पों को पूरा करने में निश्चित रूप से मदद करता ही है। और श्री श्याम सुंदर जी और श्रीमती जशोदा माता जी इनके वैवाहिक वर्षगांठ के 50वें वर्षगांठ के अवसर पर ये इतना सुंदर जायल में कथा का आयोजन हुआ। न केवल आयोजन हुआ बल्कि इतिहास ही रच दिया गया है। इतना बढ़िया आयोजन इस व्यास परिवार के द्वारा हुआ है। साथ में माहिरे का भी लाभ आप लोगों ने लिया और मैं आप लोगों को भी साधुवाद देता हूँ। आज तो डबल साधुवाद है आपने। कथा में नंदोत्सव में बधाई बिजरो फंक्शन होया करे नाच गान में उमें थोड़ो आधो पौन घंटो बत्तो लाग जावे अटू थे फ्री होया अवड़ होया नहीं होया जिते रुक्मणी मंगल रो पाठ आई गयो वो पाठ लेकिन वो ही पाठ बड़े इंद्र देवता न्यारा आई गया। एक बार तो मैं ओचो कि शायद आज व्यवस्था बिगड़ सके मायरो वेला कि नहीं वेला लेकिन कथा होती है और उसमें भी भगवान कृष्ण तो भादव महीने में आए थे बारिश की ऋतु में ही तो आए थे और मैंने तो अनुभव किया है। मेरी 370वीं भागवत कथा ये है जायल में तो ऐसे हिसाब लगाओगे तो आधे से ज्यादा कथा में चाहे सर्दी रही हो चाहे गर्मी रही हो चाहे जो ऋतु रही हो लेकिन बारिश तो कथा में एक दिन के लिए आती है। और आज का दिन ही नंदोत्सव का दिन रहा तो भगवान ही बारिश में आए तो आज बारिश नहीं आएगी तो कब आएगी। इसका मतलब अपने देवता भी इस कथा में उपस्थित हैं देवीय शक्तियां उपस्थित हैं। इससे बढ़िया इस कथा की सिद्धि क्या हो सकती है साफल्य इस कथा का क्या हो सकता है। और तो ये सारी चीज़ें थी तो मैंने लाग्यो कि अब शामरी कथा में तो शायद था भी आई जिला कि नहीं आई जिला भाई थोड़ा हो जाते हैं डिस्टर्ब लेकिन फिर भी आप सब लोगों की साधना को नमन है थे कथा में दिन रा भी बराबर ना में रात्रि कथा है तो उम्मी बराबर थानी हाजरी है। इन वास्ते आप सबने भी बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए समय बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। कल वापस 10 बजे कथा के सत्र को हम लोग आगे सुनेंगे और भगवान के विवाह तक के प्रसंग को हम लोग कल सुनेंगे। तो काले भी बहुत बढ़िया आनंद वेला बोली श्री बाल कृष्ण लाल की सांवरिया सेठ की नरसी मेहता की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आई कथा को विराम नैनी बाईरो माहिरो अति संक्षेप रूप में कथा कृपाराम जी कही क्योंकि यहाँ जैसे ही 26 तारीख को कथा पूरी होगी 27 तारीख को कृपाराम जी के द्वारा नैनीबाई का माहिरा बेंगलोर के अंदर है और वहाँ 28, 29, 30